So we now continue to more sums of exercise 3.2a. Question number 7. अगेन ये एक स्पेशल टाइप के सम्स है कि ऐसा अगर सम आया तो आपको यही अप्रोच लगाना है. क्या अप्रोच लगाना है देखो, पहले तो इसका टाइप क्या है कि ऊपर न्यूमरेटर में a e raise to x plus b, a कांस्टेंट है b कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर में c e raise to x plus d, अगेन c and d are कांस्टेंट. जब कभी ऐसा कोई फॉर्मेट आए अगेन आपको वही करना है, आपको न्यूमरेटर को लिखना है a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. तो हमने यहाँ पे न्यूमरेटर लिख दिया a टाइम्स डिनोमिनेटर का टर्म ये है प्लस b टाइम्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2e raise to x. अब हम लोग दोनों तरफ कोएफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे. e raise to x का यहाँ पे कोएफिशिएंट 4 है, यहाँ पे e raise to x का कोएफिशिएंट है 2a एंड 2b. ये हमने लिख दिया पहला इक्वेशन. फिर कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है -25 और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है a into -5, दैट इज -5a. यहाँ से a की वैल्यू आएगी 5, ये a की वैल्यू 5 हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे. 5 into 2 is 10, 4 is equal to 10 plus 2b. 10 को हम लोग लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, विल गेट -6, -6 इज इक्वल टू 2b. यहाँ से आएगा b का वैल्यू -3. तो ये जो न्यूमरेटर का टर्म है उसको हम लोग अब ऐसा लिखेंगे, ओके, दिस इज इक्वल टू a टाइम्स, a का वैल्यू 5 है, a टाइम्स डिनोमिनेटर, फिर आएगा प्लस b, b का वैल्यू है -3, इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर. तो ये इंटीग्रेंड ऐसा दिखेगा जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है. अब हम लोग डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे, दिस टर्म अपॉन दिस टर्म, फिर आएगा माइनस साइन, ये टर्म अपॉन ये टर्म, तो दो इंटीग्रल्स में ये ब्रेक होगा. जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये टर्म इसके साथ कैंसिल आउट होगा और यहाँ पे सिर्फ 5 बचेगा. यहाँ पे आएगा -3 डिनोमिनेटर का टर्म और ऊपर उसका डेरिवेटिव. 3 को हम लोग बाहर लिखेंगे, तो 5 को बाहर निकाला 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रल x, यहाँ पे आएगा -3. इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा, लॉग ऑफ 2e raise to x -5. तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है. सिमिलरली आपको क्वेश्चन 8 और 9th अटेम्प्ट करना है, सेम ऐसे ही सम्स है, इसी फॉर्मेट में आपको जाना है, ए बी निकालना है और इंटीग्रल लगा देना है. अब आगे के सम्स थोड़े हैवी हैं, काफ़ी लेंदी कैलकुलेशन है, कुछ अजीब से सब्सटीट्यूशन है, तो इनको आपको समझना होगा और बस प्रैक्टिस करनी होगी. तो क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं. इंटीग्रल कॉस रेज टू 8x कॉट एक्स डी एक्स, कॉस रेज टू 8 को हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स रेज टू 4, ये 8 की पावर को हम लोग ब्रेक करेंगे ऐसे. कॉट को लिखेंगे कॉस अपॉन साइन, कॉस स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ऊपर पावर 4 कॉस एक्स अपॉन साइन, साइन एक्स को टी पुट करेंगे तो ये टर्म बना टी, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस एक्स डी एक्स होगा डी टी, तो कॉस एक्स डी एक्स हो गया डी टी. यहाँ पे भी साइन एक्स को हम लोग टी पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर रेज टू 4, ये रहा 1 माइनस टी स्क्वायर रेज टू 4, डिवीजन में टी डी टी. अब 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 4 हमको निकालना है तो उसको हम लोग ऐसा लिखेंगे, 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 4 था तो पावर 2 पावर 2, ऐसे दो टर्म्स में हमने इसको ब्रेक कर दिया. 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. नेक्स्ट हम लोग इन दोनों ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो 1 इंटू 1 इंटू माइनस 2 टी स्क्वायर माइनस 2 टी स्क्वायर, 1 इंटू टी रेज टू 4 टी रेज टू 4. उसके बाद माइनस 2 टी स्क्वायर को हर टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, हमको टर्म्स मिलते जाएंगे, फिर टी रेज टू 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने ये ब्रैकेट एक्सपांड कर दिया, विल गेट ऑल दीज टर्म्स. नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जो लाइक टर्म्स हैं उनको कलेक्ट करेंगे. 1 एक ही बार है, माइनस टू टी स्क्वायर माइनस टू टी स्क्वायर, दैट इज माइनस 4 टी स्क्वायर. उसके बाद टी रेज टू 4 के टर्म्स, 4 प्लस 1 प्लस 1 6 टी रेज टू 4. उसके बाद टी रेज टू 6 के टर्म्स, माइनस 2 माइनस 2 तो माइनस 4 टी रेज टू 6. टी रेज टू 8 का एक ही टर्म है, डिवीजन में है टी. अब हम लोग टी को हर टर्म के लिए सेपरेट आउट कर देंगे तो पहला इंटीग्रल बनेगा 1 बाय टी, सेकेंड इंटीग्रल बनेगा माइनस 4 टी स्क्वायर अपॉन टी, दैट इज टी, फिर आएगा टी रेज टू 4 अपॉन टी टी क्यू, टी रेज टू 6 अपॉन टी, टी रेज टू 5, टी रेज टू 8 अपॉन टी, टी रेज टू 7. तो ये इंटीग्रल के टर्म्स बनेंगे. इसका इंटीग्रल लॉग टी, टी स्क्वायर बाय 2, टी रेज टू 4 बाय 4,
टी रेस टू 6/6, टी रेस टू 8/8, फिर टी को बैक सब्सटीट्यूट करेंगे, टी हमने साइन एक्स पुट किया था, तो यहाँ पे आएगा हर कहीं पे टी की जगह पे साइन एक्स पुट करना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11th, इंटीग्रेशन टी रेस टू 5 टेन रेस टू 5x dx, टेन को हम लोग लिखेंगे साइन अपॉन कॉस, साइन रेस टू 5x अपॉन कॉस रेस टू 5x। सो नाउ वी हैव साइन रेस टू 5x अपॉन कॉस रेस टू 5x, साइन रेस टू 5x को हम लोग ब्रेक करेंगे, साइन रेस टू 4x साइन x, नीचे कॉस रेस टू 5x, यहाँ पे हम लोग साइन रेस टू 4x को लिखेंगे साइन स्क्वायर x द होल स्क्वायर, साइन x अपॉन कॉस रेस टू 5x, एंड यहाँ पे अब हम लोग साइन स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर द होल स्क्वायर, यहाँ पे है साइन अपॉन कॉस रेस टू 5, विल पुट कॉस x इज इक्वल टू t, तो ये नीचे का टर्म क्या होगा t रेस टू 5, ये यहाँ पे लिख दिया है t रेस टू 5, ना कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स डी एक्स, ये होगा डी टी, ऊपर है साइन एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे माइनस साइन, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे माइनस डी टी, तो ऊपर आ गया माइनस डी टी, तो ये टर्म टैकल हो गया, ये दोनों टर्म्स टैकल हो गए। अब कॉस एक्स टी है तो यहाँ पे हम लोग टी पुटअप करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर, तो 1 माइनस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर, दिस इज द मॉडिफाइड इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ टी। अब हम लोग यहाँ पे ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमने अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग ये माइनस साइन को भी अंदर शिफ्ट करेंगे, टी रेस टू 5 को भी तीनों टर्म्स के लिए सेपरेट आउट कर देंगे, तो पहला इंटीग्रल बनेगा माइनस 1 अपॉन टी रेस टू 5 डी टी, सेकेंड बनेगा प्लस 2 टी स्क्वायर अपॉन टी रेस टू 5 क्या होगा टी क्यूब, और साइन हो जाएगी प्लस, तो 2 कॉन्स्टेंट है वो हमने बाहर लिख दिया, 1 अपॉन टी क्यूब डी टी, फिर यहाँ पे आएगा माइनस टी रेस टू 4 अपॉन टी रेस टू 5 1 बाई टी डी टी, एंड अब ये इंटीग्रेबल है फंक्शन, तो इसका आंसर ये आएगा, ये जो टी रेस टू, ये हमारा आंसर आया था यहाँ तक, टी रेस टू 5 को ऊपर शिफ्ट करेंगे टी रेस टू माइनस 5, टी क्यूब को ऊपर शिफ्ट करेंगे टी रेस टू माइनस 3, एंड लास्ट इंटीग्रल इज 1 बाई टी डी टी, और टी रेस टू माइनस 5 एक्स रेस टू n का इंटीग्रल लगाएंगे, एक्स रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यहाँ पे भी n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यहाँ पे आएगा लॉग टी, सो दिस इज द आंसर। यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल आउट होके टी रेस टू 4 को नीचे शिफ्ट करोगे ये टर्म ऐसा दिखेगा, 2 विल कैंसिल आउट, विल गेट माइनस साइन ओवर हियर 1 बाय टी स्क्वायर माइनस लॉग टी, और फिर टी को बैक सब्सटीट्यूट कर दो, हमने टी कॉस एक्स पुट किया था, तो यहाँ पे आएगा आंसर एस 1 अपॉन 4 कॉस रेस टू 4x माइनस 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स, ये आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन कॉस रेस टू 7x, कॉस रेस टू 7 को लिखेंगे कॉस रेस टू 6 इंटू कॉस एक्स डी एक्स, कॉस रेस टू 6 को लिखेंगे कॉस स्क्वायर द होल क्यूब, कॉस स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, ऊपर है क्यूब आगे है कॉस एक्स डी एक्स, साइन एक्स को आप टी पुटअप करो तो यहाँ पे आएगा टी स्क्वायर, कॉस एक्स डी एक्स होगा डी टी, तो ये पूरा टर्म होगा डी टी, यहाँ पे आ गया डी टी 1 माइनस टी स्क्वायर द होल क्यूब, ए माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी इंटू ए माइनस बी, फिर इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे आएगा 1 टी रेस टू 6 माइनस 3 टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस 3 टी स्क्वायर माइनस 3 टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर दैट इज प्लस 3 टी रेस टू 4 डी टी, और हर फंक्शन अब इंटीग्रेबल है, 1 का इंटीग्रल टी, टी रेस टू 6 का टी रेस टू 7 बाय 7, टी क्यूब बाय 3, टी रेस टू 5 बाय 5, यहाँ पे ये 3 कैंसिल आउट होगा एंड ये आंसर आ जाएगा, बैक सब्सटीट्यूट कर दो टी को साइन एक्स, वी गेट दिस एज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करने के लिए हमको एक रिलेशन डिराइव करनी होगी, टैन 3x, टैन 3x को हम लोग लिखेंगे टैन ऑफ 2x प्लस एक्स, टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे दैट इज टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन बी, तो टैन 3x का ये एक्सप्रेशन है, ये पूरा का पूरा जो डिनोमिनेटर का टर्म है उसको हम लोग लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो टैन 3x इंटू 1 टैन 3x, टैन 3x इंटू माइनस टैन 2x टैन x, तो ये तीन टर्म्स आएंगे इज इक्वल टू होगा टैन 2x प्लस टैन x, ऊपर के ये टर्म्स, फिर हम लोग इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, टैन 3x माइनस टैन 2x माइनस टैन x, और ये जो प्रोडक्ट का टर्म है उसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो ये टैन 3x टैन 2x टैन x राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे हमको इसी को इंटीग्रेट करना है, तो इसका इंटीग्रल किसको इक्वल होगा, इसके इंटीग्रल के बराबर होगा, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ टैन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टैन 2x
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स विच विल लुक तो विच विल लुक लाइक दिस इंटीग्रेशन ऑफ टैन थ्री एक्स टैन टू एक्स टैन एक्स इज सेम एज इंटीग्रेशन ऑफ टैन थ्री एक्स माइनस टैन टू एक्स माइनस टैन एक्स. इंटीग्रेशन ऑफ टैन हमने डिराइव किया लॉग ऑफ सी का आता है एंगल थ्री एक्स है तो यहाँ पे भी थ्री एक्स पर डिनोमिनेटर में आएगा एक्स का कोएफिशिएंट दैट इज थ्री. यहाँ पे आएगा लॉग ऑफ सीक ऑफ टू एक्स डिनोमिनेटर में आएगा टू. यहाँ पे आएगा लॉग ऑफ सीक एक्स. तो ये कंप्लीट आंसर है इसका. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14. इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू 5 कॉस रेज टू 8 एक्स डी एक्स. साइन एक्स का एक टर्म अलग कर देंगे यहाँ पे साइन रेज टू 4 आएगा. साइन रेज टू 4 को लिखेंगे साइन स्क्वायर द होल स्क्वायर. साइन स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर द होल स्क्वायर. तो यहाँ पे बहुत सारे टर्म कॉस के हैं और एक साइन अलग से है तो नेचुरल है कि हमको कॉस एक्स को क्या पुट करना होगा टी. कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स टी एक्स डी टी. तो माइनस साइन यहाँ पे शिफ्ट करेंगे साइन एक्स टी एक्स होगा माइनस डी टी. तो ये टर्म हो गया माइनस डी टी. ये होगा टी रेज टू 8. ये होगा टी स्क्वायर. तो 1 माइनस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर. ये मॉडिफाइड इंटीग्रल है. ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. फिर यहाँ पे है टी रेज टू 8 माइनस साइन आगे. माइनस साइन को अंदर शिफ्ट करेंगे एज वेल एज ये टी रेज टू 8 को भी अंदर शिफ्ट करेंगे. तो यहाँ पे इंटीग्रल क्या लगेगा टी रेज टू 8 टी रेज टू 10 टी रेज टू 12. ये ऐसे तीन टर्म्स बनेंगे. बाहर है माइनस साइन. माइनस साइन जब अंदर शिफ्ट करोगे टी रेज टू 8 का इंटीग्रल टी रेज टू 9 बाय 9 माइनस माइनस प्लस होगा 2. टी रेज टू 10 का इंटीग्रल टी रेज टू 11 बाय 11 माइनस साइन अंदर शिफ्ट करेंगे. टी रेज टू 12 का इंटीग्रल टी रेज टू 13 बाय 13. ये आंसर है. टी को बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे दैट इज जब टी को बैक सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे आएगा कॉस रेज टू 9 कॉस रेज टू 11 कॉस रेज टू 13. ये तीन टर्म्स. फिर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15. 3 रेज टू कॉस स्क्वायर एक्स साइन टू एक्स डी एक्स. कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग टी पुटअप करेंगे. कॉस स्क्वायर एक्स इज टी. इसका डेरिवेटिव तो कॉस स्क्वायर एक्स ये जो पावर का टर्म है उसको हमने टी पुट कर दिया. तो कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 कॉस एक्स इंटू कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स डी एक्स. ये होगा डी टी. नॉट 2 कॉस एक्स साइन एक्स ये किसका एक्सपांशन है ये साइन 2x का एक्सपांशन है. माइनस साइन यहाँ पे है. डी एक्स इज डी टी. माइनस साइन को हम लोग राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो साइन 2x डी एक्स होगा माइनस डी टी. ये पूरा टर्म हो गया माइनस डी टी. और यहाँ पे आएगा 3 रेज टू टी. सो इंटीग्रल विल लुक लाइक दिस माइनस साइन 3 रेज टू टी डी टी. माइनस को हम लोग बाहर शिफ्ट करेंगे ना 3 रेज टू टी का इंटीग्रल 3 रेज टू टी अपॉन लॉग 3. फिर टी को बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे दैट इज 3 रेज टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन लॉग 3 माइनस साइन यहाँ पे. यहाँ पे इंडिफरेंट इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी. एंड नाउ लेट अस कम टू द लास्ट क्वेश्चन जो डिस्कस करना है हमको इस एक्सरसाइज का दैट इज क्वेश्चन नंबर 16. इसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो गई. इंटीग्रेशन साइन 6x साइन 10x साइन 4x. यहाँ पे एक रिलेशन दिख रही है यहाँ पे 10x है यहाँ पे 4x है. दोनों का सब्सट्रैक्शन कितना आता है 6 आता है. तो हम लोग क्या करेंगे 6 को लिखेंगे 10x माइनस 4x. साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. डिनोमिनेटर का जो टर्म है उसको दोनों टर्म्स के लिए सेपरेट कर देंगे. तो यहाँ पे क्या होगा साइन 10x कैंसिल आउट साइन 4x कैंसिल आउट विल गेट कॉट 4x कॉट 10x. ये दो इंटीग्रल में ये बट जाएगा. कॉट का इंटीग्रल हमने देखा है इंटीग्रेशन ऑफ कॉट x क्या होता है लॉग ऑफ साइन x होता है. क्योंकि कॉस कॉट को क्या लिख सकते हो कॉस बाय साइन साइन नीचे सी कॉट को आप लिख सकते हो कॉस x बाय साइन x डी एक्स. साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस. तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा लॉग ऑफ साइन एक्स. सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे. कॉट का इंटीग्रल क्या होगा लॉग ऑफ साइन एंगल 4x है तो यहाँ पे 4x. डिनोमिनेटर में x का कोएफिशिएंट 4. इंटीग्रेशन में हमको डिवाइड बाय x कोएफिशिएंट करना होता है. माइनस कॉट 10x का इंटीग्रल लॉग ऑफ साइन ऑफ 10x अपॉन 10. तो हेयर वी कंप्लीट दिस एंटायर एक्सरसाइज 3.2a.